अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनम और मैं आई मेकअप से रिलेटेड वीडियोस और अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज ये बहुत दिनों के बाद मैंने आई मेकअप क्रिएट किया है, बहुत उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और शादी सीज़न चल रहा है इस वजह से इस तरीके का लुक मैंने अचीव किया है। आप एज अ गेस्ट या एज अ ब्राइडल भी इसको कैरी कर सकते हो। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था और सीरम अप्लाई किया था। अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र जो कि प्लम का है और मैंने इसको रिसेंटली बाय किया है स्मिटन से और ये फ्री ट्रायल पॉइंट्स में आपको मिल जाएंगे। उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया और डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हो। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद ही मैं अपना बेस अप्लाई करूँगी और ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी पर्सनली इसकी स्मेल मुझको बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इसका जो है दूसरा जार ज़रूर मंगवाऊँगी जो 50 ml वाला है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिलअप करूँगी, सेपरेट स्पूरी ले ली है मैंने, उससे अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरी आगे वीडियो में आप पूरी एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब वीडियो शूट कर रही थी तो लाइट है वो चली गई थी, इस वजह से मैंने आधी वीडियो रिंग लाइट के सामने शूट की है और आधी सनलाइट के सामने शूट करी है। तो प्लीज़ सॉरी, मैं आधी मेहनत अपनी कर चुकी थी और मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको जैसे तैसे एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया था, वो मैंने ADS की आईब्रो पेंसिल ली थी। उसके बाद ये MN का कंसीलर लिया है मैंने। MN का कंसीलर आपको कोई भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा अंडर 100 rupees के अंदर ही अंदर, और ये बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है और काफ़ी जो है ना स्मूथली ब्लेंड भी हो जाता है। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है तो इसको मैं एज अ कलर करेक्टर के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैं बाद में अपना जो बेस होता है वो भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने इसको अपनी आईज़ के ऊपर अच्छे से लगा लिया, जहाँ जहाँ पे मुझको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थी, और मैंने जो है ना ब्रश से इसको ब्लेंड कर लिया। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। और इसको ब्लेंड करने के बाद आप इस कॉम्पैक्ट से ज़रूर सेट करना, क्योंकि इसमें हल्की सी शाइन है। जब भी आप कंसीलर को या फाउंडेशन को अपने ब्लेंड करो तो ब्रश से अप्लाई करने के बाद एक बार ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको डैब डैब मोशन में ब्लेंड ज़रूर करना, क्योंकि जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं वो आईज़ के ऊपर रह जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना पड़ेगा। और जो आई शेडो पैलेट ली थी मैंने, वही स्विस ब्यूटी की अपनी आई शेडो पैलेट ली है, शेड नंबर उसका 04 है। उसमें से मैंने पीच सा शेड लिया है और उसको मैंने अपनी आईज़ के ऊपर इस तरीके से एक बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने एक पेंसिल सा ब्रश लिया है छोटा सा, और उसके ऊपर आप कोई भी ब्लैक आई शेडो ले सकते हो या फिर कोई भी डार्क ब्राउन आई शेडो भी ले सकते हो। मैं यही रेकमेंड करूँगी आप डार्क ब्राउन आई शेडो ले लो, क्योंकि उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश ले लिया था आउटर कॉर्नर को स्मोक करने के बाद, और ये कट क्रीज करी थी मैंने ब्लू हेवन के कंसीलर से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे ही प्रोडक्ट्स के। और उसके बाद मैं इसको सेट करूँगी, कोई भी आप कॉम्पैक्ट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे फिटमी का लूज़ पाउडर लिया था, उससे इसको टैपिंग मोशन में सेट कर दिया था ताकि जो कंसीलर है वो क्रीज ना करे। उसी आई शेडो पैलेट में से एक गोल्डन शिमरी शेड लिया था मैंने। आप चाहो तो अपना कोई भी गोल्डन हाईलाइटर ले सकते हो या कोई भी अपना आई शेडो शिमरी ले सकते हो। उसको लेके मैंने अपने पूरे जहाँ पे मैंने कट क्रीज की थी फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने उसी आई शेडो को लेके ब्राउ बोन को हाईलाइट किया और इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गई हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि लाइट अचानक से चली गई थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली थी, शूट कर ली थी आधी सनलाइट में और आधी रिंग लाइट में। उसके बाद मैंने मेबलिन कोलोसल का काजल लिया, उसको लेके मैंने एक ब्लैक आई शेडो को लेके उसको स्मोक कर दिया था नीचे की तरफ एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने अपनी आई लैशेज़ को जो है ना वो कर्ल कर लिया था कर्लर की हेल्प से। आप भी कर सकते हो, कलर करने से आपकी जो आप जो लैशेज अप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल एकदम ही उसमें आई लैशेज में मिक्स हो जाती हैं, बिल्कुल अलग अलग से नहीं लगती, तो काफ़ी अच्छा सा लुक आता है। उसके बाद मैंने लाइनर अप्लाई किया था NYB का लाइनर, कुछ क्लिप मुझसे मिस हो गई, उसके लिए सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, अच्छा सा कोई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैंने आई लैशेज अप्लाई करी थी स्विस ब्यूटी की 3D आई लैशेज, और ग्लू भी मैंने डुओ का लिया था जो कि 80 rupees में आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है। तो यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो, यह है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।